हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे जोधपुर में मारेंगे। सलमान खान बिश्नोई से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अगर काले हिरण का शिकार करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है तो माफी मांग ही लेनी चाहिए, जान से बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। ये कुछ वो स्टेटमेंट्स हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस द्वारा ही सुनने को मिल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद माहौल कुछ ऐसा बना है कि पहली बार सलमान खान के फैंस को भी भाई जान की जान का डर सता रहा है। होने को तो इसी साल लॉरेंस गैंग ने सलमान खान के घर पर भी फायरिंग करवा दी थी, लेकिन उस वक्त भी भाईजान के फैंस को ऐसा डर नहीं महसूस हुआ था जितना बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब महसूस हो रहा है। अब देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि उसका एक लौता मकसद सलमान खान की हत्या करना है। हालांकि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं और गैंग से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए भी खुद ही सोल्यूशन बता दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सलमान खान को बस बिश्नोई समाज से माफी मांगने की जरूरत है। हालांकि ये माफी बस सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही वीडियो शेयर करके कबूल नहीं होगी। एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान के बीकानेर में बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का नाम मुक्ति धाम मुकाम है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि अगर सलमान खान इस मंदिर में जाकर देवताओं से और समाज के लोगों से माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और उन पर अब हमले नहीं होंगे। अगर माफी मांगना सभी कलेशों का सलूशन है तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सलमान खान माफी मांग ही क्यों नहीं लेते हैं? अपनी जान को बचाने के लिए माफी मांगना क्या इतना गलत है? अब देखिए, सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये बता दूं कि ये सवाल का जवाब इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि जिस काले हिरण के शिकार की आड़ में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के खिलाफ जंग छेड़ चुका है, वो लड़ाई पूरी तरह उसकी है भी नहीं। 1998 में जब सलमान खान पर ब्लैक बक हंटिंग का आरोप लगा था तो लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल की थी। सलमान खान कौन था, शायद उस वक्त के 5 साल के लॉरेंस बिश्नोई को पता भी नहीं होगा, लेकिन आज के समय में वो सलमान खान की जान का दुश्मन बनकर बैठा है और उसकी हत्या करने पर उतारू है। गौर करने वाली बात यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्लेम टू फेम ही यही है कि वो कई लोग उसे जानते भी इसीलिए हैं कि वो सलमान खान की जान का दुश्मन है और सलमान खान की हत्या करना चाहता है। उधर पुलिस का भी यही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का काले हिरणों को लेकर कोई भी इमोशनल एंगल नहीं है और वो उनके लिए इमोशनल है भी नहीं। काले हिरण की आड़ में वो बस सलमान खान का नाम लेना चाहता है और असल में वो सलमान खान के नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर फेमस होना चाहता है। गैंगस्टर वर्ल्ड में वो अपनी छाप छोड़ना चाहता है। अब देखिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, ये बात अक्सर हम मान चुके हैं और ये सही भी है, लेकिन सलमान खान के केस में देखने वाली बात है कि माफ़ी मंगवा कौन रहा है। माफ़ी मांगने के लिए वो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है जिस पर खुद FIR दर्ज हैं, वो अपराध की दुनिया में लिप्त है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो 12 साल से जेल में बंद है, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से लेकर अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो लॉरेंस बिश्नोई माफ़ी मांगने के लिए सलमान खान को कह रहा है। अगर सलमान खान को किसी की बात माननी है तो क्या वो गैंगस्टर की बात मानेंगे? अगर सलमान खान को गैंगस्टर की बात मानकर माफ़ी मांगनी होती है तो ये बात कैसी जायज़ होगी? सलमान खान के माफ़ी ना मांगने की सबसे बड़ी वजह उनका सेलिब्रिटी स्टेटस भी है। सलमान खान जैसा बॉलीवुड का A-लिस्टर सेलिब्रिटी अगर एक गैंगस्टर से माफ़ी मांगेगा तो उसकी क्या साख रह जाएगी? एक गैंगस्टर के कहने पर अगर वो माफ़ी मांगते हैं या इनफैक्ट कुछ भी करते हैं तो इसका समाज पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा और एक गलत ही मैसेज जाएगा। सलमान खान के माफ़ी मांगने से शासन प्रशासन पर भी सवाल उठेंगे। बातें तो यही होंगी कि सलमान खान को सरकार और पुलिस पर भरोसा ही नहीं था, वो गैंगस्टर के आगे झुक गए। जो पुलिस और सिक्योरिटी उनकी दिन रात सुरक्षा में महफूज रहती है उसका भी मॉरल डाउन होगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सलमान खान कई लोगों की नज़रों से भी नीचे गिर जाएंगे। सलमान खान के माफ़ी ना मांगने की एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि जो मामला कोर्ट में रह चुका है उस पर टिप्पणी करना कैसे ठीक होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सलमान खान पर 5 साल की सजा भी हुई थी और वो बेल पर बाहर भी हैं। सोचने वाली बात है कि अगर वो बेल मिल चुकी है, बेल देने का फैसला भी कोर्ट का था, तो अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो एक कोर्ट की मामले पर टिप्पणी करना कैसे सही होगा। अब देखिए, इन सब कारणों की वजह से मानी हुई बात है कि सलमान खान माफ़ी तो मांगने से रहे, लेकिन देखने वाली बात यह भी रही है कि सलमान खान के बिहाफ पर कई लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से और लॉरेंस बिश्नोई से भी माफ़ी मांग चुके हैं। ऐसे लोगों की सूची में एक नाम राखी सावंत का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राखी सावंत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि बिश्नोई और बिश्नोई समाज से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। राखी सावंत सलमान खान को अपना भाई मानती हैं और इसी के चलते अपील करती हैं कि लॉरेंस गैंग और भाई जान का पीछा छोड़ दिया जाए। मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगती हूँ कि भैया माफ़ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नज़र मत रखो, उनको टारगेट मत करो। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कई सलमान खान फैंस ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि माफ़ी मांगना ही एक ऑप्शन रह गया है। हालांकि अंदर ही अंदर शायद वो भी जानते हैं कि ये उपाय मुमकिन नहीं है। सलमान खान की हिफाजत तो कानून और न्याय से ही होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है यह नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।